नमस्कार, कैसे हैं आप? भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के पुरोधा माने जाते हैं एसपी, उन्हें एसपी के नाम से ही लोग जानते हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह। आज तक से अपनी प्रसिद्धि पाए सुरेंद्र प्रताप सिंह जब बोलते थे कि ये था आज तक और इंतजार कीजिए कल तक, तो बच्चों बच्चों के जुबान पर उतर आया था। फिर एसपी के तमाम चेले भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता में छा गए। पत्रकार होने का मतलब टेलीविजन पर दिखने वाले वो हीरो दिखाई देने लगे, जिसमें कई नाम इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपने आप को पत्रकारिता का प्रतीक साबित कर दिया। वैसे प्रणय जेम्स राय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। प्रणय राय को भारतीय टेलीविजन का रूपक मर्डॉक कहा जाता है। लेकिन एक दौर में जब पूरी पत्रकारिता का मतलब सत्ता की चाकरी हुआ करता था, प्रणय जेम्स राय के चैनल का उद्घाटन ही राष्ट्रपति भवन में हुआ। प्रणय राय की पूरी पत्रकारिता, उनके एनडीटीवी की पूरी पत्रकारिता सोनिया की मनमोहनी सरकार को समर्पित रही, क्योंकि इसी दौर में टेलीविजन आया था। उसी ढंग से एसपी तो चले गए, लेकिन एसपी के चेलों ने पूरी तरह से सोनिया का पल्लू पकड़ लिया। आज जितने भी टेलीविजन के बड़े नाम थे वो सब के ज्यादातर खलिहर हो चुके हैं और यूट्यूब पर अपनी दुकान चला रहे हैं। किस किस का नाम लिया जाए, उसमें से आज की तारीख में सबसे बरबोले में से एक हैं आशुतोष। आशुतोष अन्ना आंदोलन के समय अपनी पूरी पत्रकारिता गिरवी रखाए थे। जेएनयू के पढ़े घोर वामपंथी आशुतोष अपनी अपनी ईमानदारी का बखान करते थे। कमाल की बात यह है कि ईमानदारी का बखान ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी बेच दी है, जिन्होंने अपनी पहचान पत्रकारिता की गिरवी रख दी, एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर चुके आशुतोष वापस फिर लौट करके आ गए जब राज्यसभा नहीं मिला। आजकल वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। यूट्यूब के डेटाबिंक्स जो जारी किए गए हैं उसमें आशुतोष के उस चैनल का नाम नहीं है, लेकिन उनके चैनल पर बड़े बड़े पत्रकार आते हैं। ये सौभाग्य है कि आपका मनीष ठाकुर शो उस डेटाबिंक्स में लगातार अपना स्थान बनाए हुए है। ये सामान्य बात नहीं है हम जैसे सामान्य पत्रकार के लिए कि दुनिया भर के भारतीय यूट्यूबर्स में अपना स्थान बनाए रखना, और वो लगातार बनाए रखना ये बड़ी मुश्किल है। आपका मनीष ठाकुर शो डेटाबिंक्स में लगातार दिखाई देता है। ये अलग बात है कि हम पहले 13वें नंबर पे थे, अब 19वें नंबर पे हैं, लेकिन हमारा व्यूअरशिप और तमाम चीज़ें बड़ी है, आपका उत्साहवर्धन है। हमारे एक दो के अलावा कोई ऐसे नहीं है उस टीम में जो अपने बल पर सिर्फ अकेले खड़े हों। ज़्यादातर पत्रकारों का एक गिरोह है, पूरा गैंग है, और कहीं ना कहीं वहाँ से सपोर्ट है। आशुतोष भी सत्य हिंदी चलाते हैं, और कैसे चलाते हैं भगवान जानता है, लेकिन आप उसके थंबनेलों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बड़े बड़े पत्रकार उनके यहाँ आते हैं। आशुतोष ने एक ट्वीट किया कि आशुतोष का आकलन गलत हो सकता है, आशुतोष की ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। यही बात कुछ मित्रों को परेशान करती है। दरअसल जब आप अपना सब कुछ गिरवी रख रहे चुके होते हैं तो चुप्पी लगाना बेहतर होता है। जब आशुतोष और रवीश जैसे लोग बोलते हैं तो उनके खिलाफ लोग क्यों हमलावर होते हैं? उनके ट्वीट का दबाव एक रईस पठान नामक व्यक्ति ने दिया जो ब्लू टिक वाले हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी दलाली का जीता जागता उदाहरण है, और फिर उनके कई सारे थंबनेल को सामने रख दिया जिसमें 2022 यूपी चुनाव में कुछ आप बानगी दे रहा हूं। आशुतोष की बात में वो थंबनेल देते हैं, मतलब स्टोरी करते हैं, यूपी में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। सोचिए जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार मिसाल कायम कर रही थी उसके लिए आशुतोष का ये था। उनका दूसरा है नजीब जंग से बातचीत, बीजेपी चुनाव हार रही है। उनका तीसरा यूपी में परिवर्तन दिख रहा है, वो कर रहे हैं सफेद दाढ़ी वाले आजकल मोदी विरोध में पागल हुए राहुल देव का, जिस राहुल देव ने भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का अफ्रीका में अपमानित किए जाने का के वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री का की गरिमा को गिराने की कोशिश की। ये तमाम लोग एक दौर में एसपी के चैनल पे के चेहरे हुआ करते थे, पत्रकारिता के बड़े नाम थे। मोदी नफरत में आज के डेट में अपनी पुत्री पूरी पत्रकारिता कहाँ रख दी, झूठ और मक्कारी पूरी दिख रही है। आशुतोष का अलग देखिए, तो कह रहे हैं दूसरा चरण हारे तो योगी की कुर्सी गई। सोचिए कि
इन पत्रकारों ने 30-30 साल तक पत्रकारिता की है, उनकी जमीनी पहचान दिखी। अगला है, यूपी बीजेपी को बुरी हार का डर लग रहा है, ये सब आशुतोष के चैनल पे है। अगला है, छठा चरण योगी का भारी पर गया अखिलेश, ये आलोक का अड्डा करके चलाते हैं। मतलब बड़े बड़े पत्रकारों को लेकर के आशुतोष आते हैं, लेकिन यूट्यूब के डेटा बिंग्स में कहीं कोई स्थान नहीं है। आशुतोष ये कहते हैं कि पहला चरण में बीजेपी को भारी नुकसान, सातवां चरण बीजेपी की हालत पतली। तब यह समझा जाता है कि आपका आकलन एक बार, दो बार, तीन बार गलत होगा, बार बार। यही आलम राजीव शुक्ला के चेले रहे, सनसनी फैलाने वाले पत्रकार आजकल पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति का सड़क छाप हो चुके हुए हैं। अजीत अंजुम भी अपना चैनल चला रहे हैं, उनके थंबनेल को भी हमने कई बार व्याख्या की है। ये सब के सब 2022 में योगी को हरवा रहे थे उत्तर प्रदेश से। रवीश कुमार का एजेंडा तो आप सब जानते हैं, लेकिन बात अभी इन सब की थी। तो ये दिखता है कि जब आप नैतिकता की बात करते हैं तो जनता आपकी खाल छील देती है। पत्रकारिता तब अलग थी जब बॉलीवुड के हीरो हीरोइन की तरह आप सिर्फ पर्दे पर दिखाई देते थे। सोशल मीडिया के दौर में सच का सामना करना पड़ता है और फिर कोई आम पत्रकार सामने आता है। हम जैसे पत्रकारों के लिए संघर्ष मुश्किल तो है, लेकिन अच्छी बात है कि जनता के समर्थन से कहीं स्थान बनाए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी समझना पड़ेगा कि यूट्यूब ने जो 30 डेटा बिंग्स जारी किए हैं भारतीय यूट्यूबर्स का जो दुनिया भर में मौजूद हैं, उसमें राष्ट्रवादी कितने इतने कम क्यों हैं। शुरुआत के 10-15 में मैक्सिमम सबके सब लगभग वही क्यों हैं, राष्ट्रवादी क्यों नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि पता करे कि इनके इनका जो पूरा वीडियो है वो कहां ज्यादा देखा जा रहा है, दुश्मन देशों में कितने देखे जा रहे हैं। तो इन सब का बरबोलापन, इतनी झूठ, इतनी मकारी के बाद भी, लगातार अपने आंकड़े में फरेब में फेल होने के बाद भी, आखिर ये सब जीवंत कैसे बने हुए हैं, आखिर इनका ट्रैफिक कहां से चलता है, YouTube पे अपना ये वजूद कैसे बनाए हुए हैं, इतनी झूठ और इतनी मक्कारी के बाद भी। ये निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शोध का विषय है। ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट कैसा आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।